मैं इसके अंदर जगलिंग है, ये जगलिंग इसे कहते हैं। उसके बाद मैं मैजिक शो भी करता हूँ, टॉल मैनी भी करता हूँ, ब्लोन डिकोड जो भी है। इसके अंदर मेरे ये चार बॉल्स, चार रिंग्स, चार बॉटल्स वगैरह, रोल फटा आ जाता है, टेबल रखने उतारने, फिर रूलर्स आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट सामे। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से मुनफरिद लोग मुख्तलिफ काम करते हुए और अपने टैलेंट का जौहर दिखाते नज़र आते हैं, मगर आज हम एक ऐसे ही नौजवान के साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद रमज़ान जगलर। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके टैलेंट से होते हैं महसूस। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप कब से ये काम कर रहे हैं और कहाँ से आपने सीखा, कितनी देर हो गई ये करते हुए? ये मैंने अपने भाई से सीखा है, बड़े भाई से, यासिन जगलर उनका नाम। और मेरी तब 12 साल एज थी जब का मैंने स्टार्ट किया हुआ ये, और आज मेरी 22 साल एज है और मैंने जारी रखा हुआ अपना काम। और बेसिकल पाकिस्तान के अंदर ना टैलेंट की कदर नहीं है, जितना भी टैलेंट कर लें, ठीक है ना। और मज़ीद मैं मेहनत कर रहा हूँ, इससे बढ़कर कर रहा हूँ और इससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा मैं कर सकूँ और पब्लिक को दिखा सकूँ। तो आपने बताया कि आपके भाई से आपने ये काम सीखा, तो भाई को कहाँ से आइडिया है? कोई ये फैमिली का काम है, मतलब कि आपके अबाउजदाद करते हैं या भाई ने कहीं से उन्हें ख्याल आया? भाई बेसिकल 20-25 साल से ये कर रहे हैं और आगे उन्होंने मुझे सिखा दिया, अब वो उन्होंने छोड़ दिया। और पाकिस्तान के कोई ऐसे जगह नहीं जहाँ पर हमने प्रोग्राम नहीं किया, और पाकिस्तान के काफ़ी चैनल पर हमने परफॉर्म की हुई है। आपका ख्याल ये इस साइड पे क्यों आया कि आपने यही काम चूज़ किया? आप डॉक्टर इंजीनियर लोग बनते हैं, तो आपने इस साइड पे इस चीज़ का क्या ऐसा नशा था? मेरा शुरू से शौक था एक एक्टर बनने का और आर्टिस्ट बनने का, आज वो टाइम आ चुका है और इंशाल्लाह तआला मुझे उम्मीद है मैं बनूँगा और मैं बन रहा हूँ, और अल्लाह पाक के ऊपर मुझे पूरा यकीन है। और इंशाल्लाह तआला मेरा बचपन से ये शौक था और ये जारी करने का, मैं बचपन से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। एक्टर बनने का शौक था मेरा, मेहनत मजदूरी की तरफ ध्यान नहीं था, ये जितने भी काम थे सब मैंने इसे चॉइस किया है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि आपका शौक है एक्टर बनने का, तो उसके लिए आपने फील्ड में कोई काम किया होगा, कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं अभी तक आपने सिर्फ यही काम किया? इसके अलावा मैंने जो प्ले लैंड का झूले वगैरह वो भी तैयार करता रहा हूँ। मैंने कुछ काफ़ी मुश्किलें भी देखी हैं इसके अंदर आने से पहले, मुश्किल काफ़ी देखी हैं, कुछ काम करता रहा हूँ, मजदूरी मेहनत जो भी है। उसके बाद फिर मैंने जब भाई के काम की तरफ ध्यान दिया, फिर मैं इस तरफ काम के अंदर आ गया। फिर मैंने कहा कि बाहर कुछ भी नहीं पड़ा, इसके अंदर ये सब कुछ, और मैंने तब से इसकी तरफ ध्यान दिया हुआ, और आज इंशाल्लाह ताला मैं अपने मुकाम पर पहुंच गया। तो आपने कितनी देर इसकी प्रैक्टिस की और कितना आपको टाइम लगा ये काम सीखने में? ये मुझे तकरीबन मैंने 12 साल की एज में स्टार्ट किया था और तकरीबन अभी तक मेरी प्रैक्टिस जारी है। जितना मर्ज़ी इसके अंदर कर लेना प्रैक्टिस, ये ख़त्म नहीं होता, ये बढ़ता जाता है। अब मैं चार बॉल्स कर रहा हूँ इसके अंदर, ये कि ये मेहनत करूँगा ये 5 हो जाएंगी, मेहनत करने से ही है, और मेहनत रात दिन इसके अंदर जितनी करें वो कम है। तो आप किस किस डोमेन में क्या क्या आप करते हैं? मैं इसके अंदर जगलिंग है ये जगलिंग इसे कहते हैं। उसके बाद मैं मैजिक शो भी करता हूँ, टॉल मैनी भी करता हूँ, ब्लोन डिकोड जो भी है। इसके अंदर मेरे ये चार बॉल्स, चार रिंग्स, चार बॉटल्स वगैरह, रोल फटा आ जाता है, टेबल रखने उतारने, फिर रूलर्स आ जाते हैं। आपका इसके अलावा कोई लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते हैं, बहुत से उन्होंने इस कत्तब में और इस तरह के जिमनास्टिक में रिकॉर्ड होते हैं उनके, तो आपका कोई ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मेरा 10 टेबल का रिकॉर्ड है, मैं टेबल रखता हूँ और 5 रूलर हैं जो मेरे पाकिस्तान में वर्ल्ड हैं, 5 रूलर मैं करता हूँ, वो मेरा पाकिस्तान में रिकॉर्ड है। अच्छा, 5 रूलर, मतलब कि इसकी आपकी स्टेबिलिटी का बहुत मसला होता होगा उसमें, तो कि आप 5 रूलर रख के फिर उसके ऊपर खड़े होकर अपने आप को बैलेंस रखना? बिल्कुल यही है, बहुत मेहनत उसके ऊपर, मुझे खड़े होने तक मुझे 3 साल लग गए थे, 3 साल बाद मैं उनके ऊपर खड़ा हुआ था, और मैंने बहुत मेहनत की है, और वो बहुत डेंजर सेट है और पाकिस्तान में वो माना जाता है वो 5 रूलर का एक्ट। तो इस काम में आपको प्रैक्टिस करते हुए बहुत सी चोटें भी आई होंगी, तो आपका कभी इससे दिल खट्टा नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुई हैं, मैं कई मरतबा गिर जाता हूँ शो के दौरान, गिर जाता हूँ, ये मेरी आइस पे टांके लगे हुए हैं, मैं गिर गया था, पूरे जिस्म पे चोटें आती हैं, वो बहुत डेंजरस एक्ट है, कई मरतबा गिर जाते हैं वो, ये कोई बड़ी बात नहीं, गिर जाते हैं चोटें आ जाती हैं, पर वो डेंजरस काम इस तरह का है, पर हिम्मत नहीं मैंने हारी, मैं फिर भी करता हूँ उसे। तो जब आपको चोटें आती हैं तो कितनी देर फिर आपको जो बेड रेस्ट करना पड़ता है वो आपके लिए कितना मुश्किल काम होता है? बिल्कुल, जब हम चोट लग जाती है, ज़्यादा हैवी लग जाती है, फिर उसके लिए ये कि हम प्रैक्टिस से बहुत पीछे हो जाते हैं,
तो उसको जारी रखना पड़ता है। जब पीछे हो जाते हैं फिर हमें तकरीबन जैसे कि महीना की है गिर गए हैं, फिर हमें 2 महीने करेंगे तो फिर वो जगह पे पहुंचेंगे। ये है कि जब चोट, इसके अंदर सबसे बड़ी ये है कि अपने आप सेफ्टी करना, और वो सेफ्टी भी करते हैं हम थोड़ी बहुत कि हम बच जाएँ गिरने से, पर कभी कभार लग जाती है चोट जब काफ़ी ऊँचाई पर करता हूँ। तो इसके साथ आप कोई और भी काम करते हैं मसलन जिमनास्टिक वगैरह, या सिर्फ आप यही करतब करते हैं? मैं जिमनास्टिक भी करता हूं और अब मैंने आकर छोड़ दी। जिमनास्टिक करता था, स्टिचिंग, कलाबाजी वगैरह सब कुछ करता था, अब आकर ये जगलिंग में मैं शुरू हो गया हूं। जिमनास्टिक थी, अब नहीं। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि ये आपकी अर्निंग का भी जरिया है? जी जी बिल्कुल, ये मैं परफॉर्म करता हूँ पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम मॉल, आमा मॉल, जितने भी हैं फोर्ट्रेस केयर मॉल, इनके अंदर मैं परफॉर्म करता हूँ। इनकी मैं पेमेंट लेता हूँ और ये 10 मिनट की परफॉर्म होती है, इनके मुख्तलिफ रेट होते हैं। पैकेजेस मॉल के पेज, एम्पोरियम मॉल के पेज के ऊपर आपको मेरी ही पिक्चर्स नज़र आएंगी जगलिंग के मतलब और फायर एक्ट के मतलब। ये पाकिस्तान के काफ़ी चैनलों पे मैंने परफॉर्म की हुई है, पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में मैंने परफॉर्म की हुई है, बाइट सऊदीया में भी मैंने की हुई है। इंसान को जिस चीज़ का शौक़ होता है वो मेहनत जैसे करता है उसकी मेहनत एक ना एक दिन ऊपर आती है, और मैंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है और आज अल्लाह का शुक्र मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो हमें ये बताइएगा कि आपने अपनी आप माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी कामयाबी का आपने टारगेट क्या सेट किया हुआ है कि यहाँ तक मैं जाऊँगा तो मेरी ये फाइनल स्टेज है, मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, ये इतनी तरक्की चाहता हूँ? मेरी ये तरक्की है और जो मैंने वो वर्ल्ड अपना रिकॉर्ड कायम किया वो तकरीबन 3 साल अपना जारी रखूँ, 3 साल, और जो 10 टेबल है मेरे पाकिस्तान में वर्ल्ड, वो मैं 3-4 साल अपने रिकॉर्ड में रखूँ। पूरी ही पाकिस्तान की ज़बान पर मेरा नाम होना चाहिए जगलर के हिसाब से, यार वो जगलर इस तरह का है, उसका ये रिकॉर्ड है, वो कैसे कर रहा है, ये चीज़ है, पूरे पाकिस्तान में एक नाम मैंने अपना कमाना है। तो उसके लिए आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या आप काम कर रहे हैं? उसके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, दिन के अंदर मैं 3 दिन प्रैक्टिस करता हूँ, और जब भी टाइम मिले मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरी जारी है सब कुछ, मैं इसे डबल कर रहा हूँ, जैसे कि मैं 10 टेबल कर रहा हूँ उससे मैं डबल कर रहा हूँ, उससे बेहतर कर रहा हूँ, मज़ीद अच्छा कर रहा हूँ। तो रमज़ान हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपके गोल में कामयाब करें। तो नाज़रीन आपने इंटरव्यू सुना, रमज़ान का कहना है कि पाकिस्तान में टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता, तो इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में टैलेंट को प्रमोट किया जाए, दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।